और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जैश आतंकी ढेर किए जाने को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। दो छिपे आतंकियों की तलाश भी की जा रही है। हालांकि इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना का एक जवान और दो नागरिकों के घायल होने को लेकर भी खबर है। घाटी आतंकियों के लिए अब जहन्नुम बनती जा रही है। सीमा पार से आए आतंकियों को सुरक्षा बल लगातार दो गज जमीन के नीचे पहुंचा रहे हैं। बीती रात कुलगांव में हुए एनकाउंटर में भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी मारा गया। ढेर हुए आतंकी की पहचान अबू हुरा राह के तौर पर की गई है। दरअसल सुरक्षा बलों को कुलगांव जिले के बटपोरा इलाके में तीन आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी शुरू की और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी कार्रवाई की और कई घंटे तक चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर में सेना का एक जवान और दो स्थानीय नागरिक भी घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने आतंकी के कब्जे से राइफल और गोला बारूद भी बरामद किया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और छिपे आतंकियों की तलाश की जा रही है। दो दिन पहले कुपवाड़ा के माछिल इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो आतंकी ढेर हुए थे।